मॉर्निंग दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के बारे में, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इससे पहले जो मैंने आपको बता दिया था कि जो टॉपिक्स था हमारा वर्णमाला, ठीक है, वर्णमाला का जो आज है टेस्ट हमारा, ठीक है। और टेस्ट के बारे में अच्छे इम्पॉर्टेंट और बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन हम जो पूछे गए हैं एग्ज़ाम में वो बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि क्वेश्चंस के बारे में। तो बिना देर किए हुए हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन हमारा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ पे भी बोलूँगा मैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसको ज़रूर से नोट करिएगा। लिखा हुआ है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, शब्द, व्यंजन, स्वर और वर्ण। ये चार ऑप्शन है और चारों ऑप्शन में आपको बताना है कौन सा सही आंसर। तो दोस्तों, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है हमारी वर्ण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो लिखा हुआ है कि शब्द समूह को वर्णमाला कहते हैं, वर्णों के संकलन को कहते हैं, शब्दों की गणना को कहते हैं, या वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। ये चार ऑप्शन है और चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा सही आंसर है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन कैसा है, इम्पॉर्टेंट, और इसको आपको याद करना है। मैं बार बार लिखूंगा नहीं, जैसे कि आपको क्या होता है कि इसमें क्लियरिफाई नहीं दिखता नहीं है ना आपको, तो दिखना भी चाहिए। जितना भी साफ रहेगा उतना आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, अच्छे तरीके से आप लिख पाओगे। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि वर्णमाला कैसे कहते हैं, तो वर्णमाला हम कहते हैं डी, मतलब हमारा सही है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। यदि आपने मेरी क्लास नहीं ली हो विस्तार की तो उसको देख लीजिए, वर्णमाला के बारे में मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया है हर एक चैप्टर का। ये हमारा दूसरा चैप्टर है, जितना भी चैप्टर करवाते जाता हूँ उसका मैं टेस्ट करवाते रहूँगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। सही आंसर कौन सा है, डी इज़ द राइट आंसर, ओके, डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी है, ये भी मैंने आपको बताया था। देखिए, याद करने का तरीका वही था, के टी एम मतलब कंठ, मतलब क ग अंग, ठीक है, क ख ग ग अंग, यही हमारी कंठ ध्वनियाँ होती हैं। मतलब हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कि स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं, ग और घ, ज और झ, ड और ढ, प और फ। मूर्धन्य के बारे में बात की गई, के टी एम, मतलब जैसे कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, के टी एम, ठीक है, डी ओ, के से क ग ग, टी से होता है कि तालु, एम से मूर्धन्य, क ग ग ज ज देंगे या टर आड़ा, मतलब ऐसे जो वर्ड होंगे जो ट ठ ड ढ आड़ा के अंदर आएंगे वही हमारे मूर्धन्य होंगे, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा इसका सी इज अ राइट आंसर, ठीक है, क्योंकि इसका जो मैंने बताया था कि मूर्धन्य जो होते हैं वो एम से होते हैं, तो मूर्धन्य का हो जाएगा ड और ढ इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से अल्प प्राण वर्ड कौन से हैं। देखिए दोस्तों, अल्प प्राण के बारे में बात की गई है, इसके बारे में मैंने आपको ट्रिक बताया था कि किस तरीके से आप समझ सकते हो। और इसके जस्ट ऊपर वाले मेरा जो वर्णमाला का जो लास्ट वाला क्लास था, ठीक है, विस्तार का, जिसमें आपको थ्योरी करवाई जाती है, वहाँ पर आप देखेंगे तो आपको वर्णमाला के अल्प प्राण, महाप्राण, गंगा, मतलब के टी एम, कैसे कैसे इस तरीके से आप समझा सकते हैं, किस तरीके से आपको समझना है, बहुत आसानी तरीके से समझाया गया है। तो अल्प प्राण हम किसे कहते हैं, ये आपको बात की गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें पूछ लिया गया कि अल्प प्राण किसे कहते हैं, इसका सही आंसर है क और ग, मतलब पहला और तीसरा हमारा अल्प प्राण होता है, ठीक है। इसका मैंने ट्रिक बताया था कि पहले अ आता है या एम आता है, तो अ आता है, अल्प प्राण, महाप्राण, ठीक है, सघोष, अघोष, इस तरीके से भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर मैंने आपको बताया, बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 कि निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है, नासिक के व्यंजन, इसमें नासिक के व्यंजन के बारे में बात की है कि मैंने आपको बताया था कि लास्ट में जो पंचमाक्षर होते हैं, ठीक है, क ख ग अंगा हो गया, च ज ञ हो गया, ठीक है, ट ड आड़ा हो गया, त ध न प प म, ये जो लास्ट में जो अक्षर होते हैं ना दोस्तों, क ख ग अंगा के लास्ट वाले जो अक्षर होते हैं वो पंचमाक्षर होते हैं, उसको हम नासिक के व्यंजन भी कहते हैं। तो ञ इज अ राइट आंसर, ठीक है, तो बी इज राइट आंसर। देखिए, मैं इसमें ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, थोड़ा मोड़ा समझा भी दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें हमें लेट करने से कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी थ्योरी की क्लास बनाई हुई है। तो बहुत लोग कहते हैं आप समझाते हैं नहीं सर, जल्दी जल्दी बताते चले जाते हैं। तो दोस्तों, अगर मैंने थ्योरी की क्लास बनाई है तो आपको देखना चाहिए, अगर आप इसे देखोगे तो इसको जल्दी समझ जाओगे।
मैं इस पर अगर बताओ, अगर मैं 20 क्वेश्चन भी ना बताऊँ, टाइम पास करूँ, तो क्या आगे आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना, जितना जल्दी हो सके हमको चैप्टर को कवर करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है कि ए आई वर्ड क्या कहलाता है, ए आई वर्ड क्या कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर दोस्तों है वो होगा हमारा कंठ तालव्य। ए आई क्या कहलाता है हमारा? कंठ तालव्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है, जो हाल फिलहाल में NTPC का एग्जाम आने वाला है उसमें भी पूछ सकता है, इसलिए बेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 है कि हिंदी वर्णमाला में आयोग वाह वर्ड कौन से होते हैं। आयोग वाह, ये भी देखिए मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार आप प्लीज़ वर्णमाला की क्लास को लीजिए, उसके बाद टेस्ट दीजिए। बता रहा हूँ कि मक्खन की तरह आपको समझ में आ जाएगा और मजा आएगी। आप एक भी क्वेश्चन छोड़ के आओ एग्जाम में। रेलवे में 97 में पूछा गया क्वेश्चन है, अंग और आह इज़ द राइट आंसर, ठीक है। क्योंकि जो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारे व्याकरण थे, ठीक है, उन्होंने जो अंग आह को यह स्थान दिया हुआ है, ठीक है, स्वर में। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्न में से बताइए कि किस शब्द में द्विवत्व व्यंजन है। द्विवत्व व्यंजन मतलब कि डबल बार व्यंजन हुआ है, तो वो है हमारी दिल्ली, ठीक है। यहाँ पर देखिए ल लगाया है ना दो बार, इसी को हम कहते हैं द्विवत्व व्यंजन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि स स ह ह, यहाँ पर देखिए स स स और ह लिखा हुआ है, तो ये कौन से व्यंजन कहलाते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए कौन से व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों स स और ये छोटा सा और ह, ये जो हमारे होते हैं, यह हमारे कौन से होते हैं, कैसे व्यंजन होते हैं, ये मैंने आपको बताया था, ये होते हैं संघर्षी व्यंजन, ठीक है। इसको बोलते टाइम आपके मुंह से गर्म हवा निकलती है, एक बार आप बोल के देख लीजिएगा, ठीक है। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है कि निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। नवीन विकसित मतलब नई जो विकसित हुई हैं वो ध्वनियों के बारे में बात किया गया है। तो ये जो ये सब जो ध्वनि है ये पहले से हैं, ये जो देख रहे हैं आप ये ख के बाद ये जो ये बिंदी लगी हुई है ना, यही नवीनतम ध्वनि है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, ए इज़ अ राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्न में से कौन सा घोष वर्ड है। घोष वर्ड के बारे में बात की गई, इसके बारे में भी मैंने आपको समझाया था। तो जो घोष वर्ड है दोस्तों वो हमारा है म, ठीक है, म इज़ अ राइट आंसर, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 13 आ गया, और 13 में बात की गई है कि कौन सा अमानक वर्ड है। इसमें अमानक वर्ड के बारे में बात की गई है, तो कौन सा अमानक वर्ड है इसके बारे में आपको बता दूं। देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद करना होगा। सी इज द राइट आंसर, अमानक वर्ड है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए बीएड में भी आया क्वेश्चन है, हाल फिलहाल में जो बीएड पेपर हुआ था उसमें भी आया था। तो आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसे याद भी करना होगा, अमानक वर्ड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि क ग ज फ, यह ध्वनियाँ कौन सी हैं। संस्कृत है, अरबी है, अरबी फारसी की, अंग्रेजी की, दक्षिण भाषाओं की, ये चार ऑप्शन हैं, और चार ऑप्शन में से बताना है कौन सा आपका सही आंसर होगा, ठीक है। तो दोस्तों बता दूं कि जो ये जो ध्वनियाँ हैं, ठीक है, क और ग और ज और फ, ये देखिए यहाँ पे आपने देख रहे होंगे, ये मैं दोबारा लिख के रहा हूँ, ये क लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बिंदी लगी हुई है, ठीक है ना, यहाँ पर देखिए बिंदी लगी हुई है ना। तो इसको आप किस तरीके से समझेंगे, ये जो हमारी जो ध्वनियाँ हैं दोस्तों वो हमारी अरबी और फारसी की ध्वनियाँ हैं, ठीक है। तो बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि हिंदी में मूलतः वर्डों की संख्या कितनी है। 50, 51, 52, 53। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिंपल, साधारण, मक्खन जैसा क्वेश्चन। राइट आंसर है 52, ठीक है, लेकिन बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। मूल स्वर, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण, तालव्य। ये देखिए बैंक परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है 2002 में। तो छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, ये भी मैंने आपको बताया था। मैं कह नहीं रहा हूँ दोस्तों कि मैंने हर एक क्वेश्चन को बताया है, बस क्वेश्चन नहीं बताया, मतलब थ्योरी बताई है। अगर मैंने थ्योरी बताई है तो आपको बहुत अच्छे तरीके से, अगर एक बार आप ले लिए ना अल्फाबेटिक क्लास, बता रहा हूँ कभी भी नहीं भूलेंगे। चलिए
तो 16 नंबर का जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा संयुक्त वर्ण। ठीक है, कैसे संयुक्त वर्ण है ये आपको थ्योरी में मिलेगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हो सके आगे ये क्वेश्चन और भी आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हिंदी शब्दकोश में छ क्रम किस वर्ड के बाद आता है। देखिए आ गया ना, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए UPSI में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको थंबनेल देख के समझ में आ जाएगा होगा वहाँ पे जब लिखा होगा कि कहाँ कहाँ पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, किस तरीके से इम्पॉर्टेंट है। तो बात कर ले छ ध्वनि किसके बाद आती है, तो ये आती है क के बाद। अब आप सोच रहे होंगे कि ये छ क के बाद कैसे आता है। ठीक है ना, तो दोस्तों इसको समझने के लिए आपको विस्तार में देखना होगा। विस्तार में मैंने आपको बताया हुआ है, वर्णमाला क्लास लेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब कुछ तो आपको करना होगा दोस्तों, एक सेकंड लगेगा आपको, देखेंगे 10 मिनट की क्लास जिंदगी से बड़ी नहीं होती दोस्तों। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर की, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना हुआ है। ये भी मैंने बताया है, जो ज्ञ वर्ण है वो बना हुआ है ज और इया के। ठीक है, ज और इया के संयोग से क्या बना हुआ है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन पूछा कहाँ गया है, UPSI में। चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की। 19 नंबर क्वेश्चन है कि अघोष वर्ण कौन सा है, ये भी बताया गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा स इज राइट आंसर, यह अघोष वर्ण है और बैंक परीक्षा 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। घ का उच्चारण स्थान कौन सा, ये तो आप बता देंगे, कंठ है, ये मैंने आपको पहले बता दिया। 21 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है, मतलब ऐसा संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं जो दो वर्णों से मिलकर बने होते हैं, उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसा कि इसके पहले जो क्वेश्चन आया था उसमें आपको बताया गया था कि कौन से संयुक्त व्यंजन है, इसके पहले ही आपने जाना होगा। तो अगर आप मेरी क्लास देख रहे होगे तो आपको मैं दो क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, अगर आपने देखा होगा तो मुझे आप आंसर करके ज़रूर बताओगे। ठीक है, ये आज तो मैं लास्ट में दे रहा हूँ लेकिन कल मैं पहले दे दूँगा क्वेश्चन। ठीक है, जिसे आप देखो तो उस क्वेश्चन का आंसर दे पाओ, यदि आप मेरी क्लास देखते हो तो ज़रूर आंसर दे पाओगे। ठीक है, इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा हमारा ज्ञ। ज्ञ कैसे होगा, इसके पहले भी मैंने आपको बताया, ये जो ज्ञ है ज और इया से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 मैंने बता दिया, 22-23 बताता हूँ आपको। ठीक है, और 24 और 25 ये आपको बताना होगा। ठीक है, लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। दंत मतलब KTM2, मतलब देखिए KTMDO। ठीक है, क से कभी गंगा टी स्टडा और कगंगा नहीं सॉरी चलिया ठीक है। तो यहाँ पे त थ द ध न कहाँ से आया, मतलब कि ऐसे वर्ड जो कि इसमें आते हैं लेकिन और किस में नहीं आते, मतलब त थ द ध न क गंगा च च जइया ट ठ ड ड काला त थ द ध न। ठीक, तो इसमें से कौन सा नहीं आ रहा है। ठीक है, राइट आंसर है इसका दोस्तों ट। ट किसमें आ रहा है, यह हमारा दंत में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ट इज अ राइट आंसर। ठीक है, तो डी इज राइट आंसर। ये क्वेश्चन पूछा गया है देखिए अध्यापक भर्ती में, मतलब जो आती है ना टेट सुपर टेट ऐसा आता है उसके पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है कि जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें हम क्या कहते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया है देखिए बीएड में 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा इसको। 23 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर देखिए लिखा है कि ए लिखा है अनुसार, बी है आयोग व सी है अंतस्थ, डी है अकारांत। तो सही आंसर हो जाएगा इसका अकारांत इज द राइट आंसर। जिसके अंत में अ आ जाए उसे हम अकारांत कहते हैं, ये आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, गांठ बांध लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो डी इज राइट आंसर। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन दोनों आपका जो है कमेंट बॉक्स में आपको देना होगा। ठीक है, लिखा हुआ है कि छ वर्ड किस योग से बना हुआ है, वही संयुक्त व्यंजन के बारे में बात की गई कि ये जो छ है किन किन वर्णों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है। बहुत सिंपल है लेकिन आता नहीं बहुत लोग को, बीएड और अध्यापक भर्ती में ये देखिए क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है,
इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप यदि मेरी क्लास को पूरा देखे होंगे तो कमेंट करके जरूर बताएंगे कि किस किस में ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले हम कल 25 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपको तभी पता चलेगा जब हमारी क्वेश्चन का आप आंसर दोगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा और मुझसे पूछ सकते हैं कि आप नेक्स्ट टॉपिक क्या करने वाले हैं सर, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।